तो ये मेरा वीडियो है, इस पे रेड कलर का ये सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस करना है। उसके बाद ये बेल बटन है, इसको प्रेस करना है, फिर ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, शोभना की ज़िंदगी में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं मार्केट। मार्केट मेन काम शॉपिंग करने का नहीं है, और सबसे ज़रूरी काम करने जा रहे हैं वो आगे आपको पता चलेगा, अभी नहीं बताऊंगी, सरप्राइज़ है। और तो वो काफ़ी टाइम से टाल रहा था, तो जाना ज़रूरी है। और वो काम है सेजल और रिमझिम से रिलेटेड। तो बस हम लोग निकलने वाले हैं, वैसे कल ही जाना था लेकिन कल हम लोगों का जाना नहीं हुआ, थोड़ा सा बच्चों में भी प्रॉब्लम रहती है। और साथ में आज जा रही हैं भाभी भी और सारे बच्चे जा रहे हैं, तो कैसे पहुँचेंगे? पहुँच तो जाएंगे वैसे टैक्सी से, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि बच्चों के साथ जाना मार्केट में काफ़ी मुश्किल है। और तो निकलते हैं बस। तो ये आ गई है यहाँ पे सेजल, और सेजल कुछ ढूंढ रही है। क्या ढूंढ रही हो भाई? विधु मौसी का सिंदूर चाहिए। अच्छा, और इधर विधु का चल रहा है मेकअप, जो कब कंप्लीट होगा ये नहीं पता है अभी, क्योंकि विधु को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और नहीं, बच्चों को तैयार करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में हो जाते हैं, लेकिन विधु को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, और विधु से भी ज़्यादा टाइम मेरे हस्बैंड को लगता है। उनको तो, किट्टू को दिखाइए, किट्टू को। और ये है किट्टू। किट्टू नहीं, इसका नाम रोनू होना चाहिए, बहुत रोता है। तो विधु जाए इधर, दिखा दो भी कितना मेकअप बाकी है भाई। विधु का मेकअप चल रहा है और कितनी देर में कंप्लीट होगा ये बताना मुश्किल। अब मैं रेडी हूँ, तो विधु रेडी हो गई है, अभी कुछ और भी बाकी हो तो वो भी कर लो। और यहाँ पे हर काम अचानक से होता है कि भाई चलना है तो चलना है। और मैंने लगा लिया था सुबह मॉर्निंग में ही ऑयल, तो बालों में इतना ज़्यादा तेल लगा हुआ है कि मैंने बोला भी कि पहले बताया होता तो मैं कम से कम वॉश तो कर लेती। और नहाने के बाद पता चला कि अरे जाना है, और मैंने बाल भी वॉश नहीं किए, तो काफ़ी दिनों से ऑयल नहीं लगाया था, तो वही है कि सिर्फ चोटी करने को पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल लगा है कि उलझन भी हो रही है। तो यहाँ पे किट्टू लेके आ गया है साइकिल, किट्टू बात नहीं करेगा। तो हम लोग जा रहे हैं आज घूमने, मस्ती करने, और पूरी टीम के साथ। संख्या थोड़ी कम है, 2-4 बाहर और ले लेंगे, तो बच्चे थोड़े कम ही नीचे करो तो ऐसे कम से कम एक बच्चे बाहर भी ले लेंगे। हाँ, नीचे। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट में आ गए हैं, और सबसे पहले रिमझिम का नंबर लगा है। सेजल तो डर के मारे पीछे हो गई, बोली मैं बड़ी ज़रूर हूँ लेकिन मैं बाद में छिदवाऊँगी, रिमझिम पहले तुम्हारा देख लूँ। तो रिमझिम को बैठाला गया, और रिमझिम को दर्द तो खैर भाई होगा ही जब कान छिदता है। तो रिमझिम को देख के सेजल और ज़्यादा डर जाएगी, ये मुझे भी पता है, लेकिन रिमझिम की हालत ख़राब, और वही है कि भाई थोड़ा दर्द तो झेलना ही पड़ेगा। तो रिमझिम थोड़ा सा अब दूसरे भी कान को छिदवाना है, ये टेंशन है रिमझिम को। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि बेटा ज़्यादा टेंशन ना लो, ज़्यादा दर्द नहीं होगा, यही कह सकते हैं फिलहाल। और रिमझिम के आंखों में आंसू आ गए, बच्चों का होता है, तो भाभी की भी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए वो वहाँ से हट गई और बोली आप लोग ही छिदवाइए, मैं नहीं देख पाऊँगी। तो रिमझिम ने अपना फेस उधर कर लिया, क्योंकि मैं बोली कि बेटा अच्छे से हिलाना नहीं, छिदवा लो। तो अब सेजल का नंबर आने वाला है थोड़ी देर में, तो रिमझिम रो गई है क्योंकि दर्द, भाई बच्चा है अभी, और शौक तो बहुत ज़्यादा था, बहुत जोश में आई थी ये लोग घर से कि मैं कब से बोल रही हूँ मम्मा लोग कान नहीं छिदाती हैं, तो भैया आज चलो कान छिदवाने का भी मज़ा ले लो। और काफ़ी शौक रहता है इन लोग को, फंक्शन में जाएंगे और कुछ पहन नहीं पाते हैं अपने कान में हम। अब आया नंबर सेजल का। सेजल काफ़ी खुश है क्योंकि रिमझिम को रोता हुआ देख के इनको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया है। तो बेटा अभी मज़ा तुम्हें भी आने वाला है। तो यहाँ पे विधु निशान लगा रही है कान में कि कहाँ पे मतलब छिदवाना है,
तो वही भैया ने बताया कि आप ही लगा लीजिए अपने हिसाब से, जहाँ पे भी आपको छिदवाना है कान। तो विदु ने निशान लगा दिया। अब सेजल बैठी है, दर्द तो हो रहा है मगर मुझे लग रहा है कि वो सहन कर रही है कि नहीं मुझे रोना नहीं है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और दर्द तो जाहिर सी बात है होगा है। एक में हालत ख़राब, अब दूसरे में क्या होगा। दूसरे में इसको ज़्यादा पेन हुआ था, बोल रही थी मामा पहले वाले में नहीं इतना पता चला, लेकिन दूसरे में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। तो अभी अभी हम लोग बस घर आए हैं और कपड़े वगैरह चेंज किए, मैं नीचे जा रही हूँ चाय पीने, भाभी ने बनाई है। और वही है ना कि मार्केट से आओ, ऊपर से बच्चों के साथ इतना मुश्किल होता है सारे काम करना, लेकिन खैर सबसे ज़रूरी काम हो गया। सेजल अब काफ़ी खुश है, अभी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है लेकिन वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।